हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल। अच्छा जी, आज है संडे और आज संडे की इंशाल्लाह सारी रूटीन जो है ना वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। और संडे वाले दिन बच्चों को भी होती है छुट्टी, और दानी और मोना जो है वो दोनों आ गए हैं सैलून में सुबह सुबह रेडी होने के लिए। कहाँ जाना मोना, रेडी हो गए? घूमने जाना है। अच्छा जी, यहाँ पे ना सबसे पहले हम आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो कि हमारे 37,000 प्लस YouTube फैमिली हो चुकी है, उन सब का जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक साल की अचीवमेंट है। अभी हमें चैनल बनाए हुए एक साल हुआ है और हमने प्रॉपर वर्क करना जो है मेरे ख्याल में 8-9 महीने से स्टार्ट किया है। उससे पहले हम प्रॉपर वर्क भी नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि हमारा चैनल ग्रो करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल माशाल्लाह से ग्रो कर रहा है और ये सब आप लोगों की सपोर्ट की बदौलत है। तो हम लोग आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और नेक्स्ट भी जो है ना आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा, इंशाल्लाह हम जो है ना आप लोगों के लिए मजे मजे के व्लॉग्स लेके आते रहेंगे। अभी भी जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मोना आप भी शुक्रिया अदा कर दो, हमारे जो 37,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, पता है आपको? नहीं, पर अभी पता चल गया। तो शुक्रिया अदा कर दो उनका फिर। क्या हो गया हमारे साथ? और अपने चैनल का भी जिक्र कर दो यहाँ पे जो मोना। लाइक कर दे हमारे और लाइक कर दे और वीडियो को एंड तक देखना। नहीं नहीं, जो आपका चैनल है बना रही है, अभी बनाया नहीं है, घर में चलते फिरते उसकी प्रैक्टिस कर रही होती है। और मोना ने जो है ना वो जो चैनल बनाया है वो मोना की चलाकियाँ उसका नाम रखना है, मोना की चलाकियाँ। ऐसी है मोना है ना, मोना और दानी दोनों का चैनल। हाँ जी, दानी और मोना आपस में जो है ना वो बातें करके बगैर, यानी कि वो मोबाइल का सिर्फ पाउच पकड़ के ना वो जो खराब पड़ा हुआ है वो पकड़ के वीडियो बनाते रहते हैं, और हम आप ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और कल की वीडियो नहीं बनाई आपने? अब वो भूल गए थे, ये सो रहा था ना, इसकी मैंने कल बहुत वीडियो बनाई थी, पर इसको बहुत नींद आई तो मैंने इसकी फिर भी बनाई, फिर मैं सोने नहीं दे रही थी। मैंने कहा डर, फिर मैं मम्मा रामा देखती थी, मैं कहती थी डर डाली इतने घंटे में सो गया मैं। अच्छा जी, हम आप सोच रहे होंगे कि हम सुबह सुबह सैलून में क्या करने आए हैं। एक्चुअली मैंने सोचा कि पहले सैलून की सफाई कर लें क्योंकि ऊपर आपको पता है आज संडे तो चारपाइयाँ बिखरी हुई हैं और सारे अभी तक हाफ लोग जो हैं वो सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलें आज का दिन जो है वो रेस्ट करें क्योंकि संडे है, तो वो भी इंजॉय कर लें अपनी नींद को, क्योंकि रात को भी लेट सोए थे क्योंकि सुबह संडे था तो उठने की टेंशन नहीं थी। लेकिन हम लोग उठ गए जल्दी क्योंकि हमने जाना है कहीं आज, और वो भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करें। जी बिल्कुल, और जिन मेहमानों का भी जिक्र किया था आप लोगों के साथ के मेहमानों ने, कुछ खास मेहमान है जिन्होंने हमारे घर आना है, तो उनके आने में भी जो है ना वो चंद दिन ही बाकी हैं, इसलिए जो है ना वो लुभना चाहती है कि घर को जल्दी से जल्दी जो है ना वो डेकोरेट कर लिया जाए। एक रूम जो आपको बताया था उस रूम को जो है ना वो जल्दी से जल्दी डेकोरेट करके उस रूम को जो है ना वो परफेक्ट बना लिया जाए, मेहमानों का गेस्ट रूम जो है ना बना लिया जाए। रात को ही लेटे लेटे मेरे माइंड में अचानक से एक आइडिया आया, उससे पहले मुझे नहीं मतलब माइंड में आ रहा था कि ये सेटिंग मैंने कैसे करनी है, लेकिन रात को अचानक से आ गया तो मैं इस चीज़ का भी लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। और जो कटिंग वाला सिस्टम था ना, जो जो चीज़ें हमने बना के मतलब हैंडमेड चीज़ें बनानी थी ना, वो हम लोगों ने कटिंग वगैरह कर ली हुई हैं और वो हम लोग इंशाल्लाह लगाएंगे तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस वो कटिंग हो गई है, बस वो एडजस्ट करने वाली हैं और साथ सेटिंग होने वाली। अच्छा, यहाँ पे ना आपको दिखाना था ये दीवार, देखें बिल्कुल छोटी सी दीवार है, और यहाँ पे ना बैकलाइट बोर्ड हम लगवाना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पे वो ना लग नहीं सकता क्योंकि दीवार की आप चौड़ाई देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी है। और अंदर ये देखें जी, ये लगा हुआ है बैकलाइट बोर्ड और इसकी आप जो है ना वो चौड़ाई देखें, इसकी चौड़ाई मेरे ख्याल में तकरीबन 15 इंच है और जो दीवार है बाहर वो 4 या 5 इंच की है, इसलिए ये बोर्ड वहाँ पे लग नहीं सकता, तो इसका मशवरा दीजिएगा कैसे लगे, क्योंकि लुबना जो है ना वो अब लुबना की शदीद ख्वाहिश है कि ये जो है ना वो बोर्ड बैकलाइट बोर्ड बाहर लगना चाहिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अच्छा, ये भी कम है आपके अरमान, चलें अब ज्यादा अरमान जो है ना वो निकाल लें।
इंसान की, वो भी छोटी छोटी सी, जिससे इंसान अपने आप को खुश करता है। और मैंने हमेशा छोटी छोटी जो चीजें होती है ना उनमें खुशियां तलाश करने की कोशिश की है। मैंने कभी भी बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखे, मैं खुद कोशिश एफर्ट खुद करती हूँ कि मैं ये काम करूँ तो इसमें मुझे खुशी मिले। असल में थोड़ा सा मसला ये भी है ना कि ये अगर बोर्ड बाहर लग जाएगा ना थोड़ी सी पार्लर की जो है ना लुक अच्छी निकल आएगी, जरा अच्छा पार्लर जो है ना फील होगा बाहर से देखने से, रात को जो है ना वो फिर नजर भी आता है। जहाँ पहले सैलून था ना वहाँ पे ये लगा हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे लाके ऐसे रख दिया मेरे दिल को। अब मकान भी हमारा थोड़ा पीछे है ना, रात को भी पता भी नहीं चलता पार्लर का, इसलिए क्योंकि ये हमारा पहले था हमारा मेन रोड पे और अब है गली के अंदर। गली में बस वही लोग गुजरते हैं जो इधर के मोहल्ले के हैं, उन कम ही लोगों की नजर पड़ती है। तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि रबी अलवल से पहले पहले जो है ना, क्योंकि तब वो सीजन होता है, अभी मुहर्रम सफर तो वैसे ही गुजर गया है, तो मैं चाह रही हूँ कि इससे पहले पहले हम लोग इसकी एडजस्टमेंट करें। ये रात का मैं इधर खिलारा डाल के गया हूँ, इधर ना ये पड़ा था रेड टेबल इस साइड इस जगह पे, तो वो रेड टेबल मैं ले गया ऊपर, उसके ऊपर ये सारी चीजें थी। मैंने ना वो टीवी जो उस दिन जो लगाया था ना आपको जो दिखा रहा था टीवी, वो टीवी ना उस दिन चल नहीं रहा था, उसकी ना पावर केबल ही नहीं लगी हुई थी, तो मुझे ये था कि पता नहीं वैसे चल जाना, तो वो जब मैं लेके गया ठीक करवाने के लिए वो कह रहे इसकी पावर केबल काम, मैंने कहा वो तो है ही नहीं, तो कह रहे उसके बगैर कैसे चलेगा, वो पावर केबल लगानी पड़ेगी। तो वो पावर केबल भी ली, फिर भी जो है ना उसकी सप्लाई का मसला था, उसने 800 ले लिया, वो ठीक करके दिया घर आ, कल चलाया कल वैसे ही था, इधर से मैं टेबल पे फिर ले गया था। लोगों का ईमान है ना, ईमान बहुत कमजोर हो गया, लोग पैसे इतने यकीन करें कि उसने उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी मतलब वो जो पुर्जा वगैरह कोई भी डालना था वो नहीं डाला, और 800 उसने एक सेकंड में चार्ज कर लिया और वैसे ही हमें उठा के दे दिया कि जी चल रहा है। और मुझे वो कह रहा था कि 3-4 घंटे लग जाएंगे ठीक होने में, और जब मैं घर आया 15 मिनट बाद उसकी कॉल आ गई तो ठीक हो गया, ले जाए आके और 800 दे जाए। तो कितनी गलत बात है ना ये, मतलब इंसान मैं इस चीज को ये समझती हूँ कि ये इंसान हलाल करके नहीं खाता, गलत बयानी करके अगर इंसान कोई भी काम करता है तो मेरे ख्याल में वो हलाल कमाई नहीं खाता, वो ये समझ रहा है कि अगर मैं इस तरह करके हलाल खाता हूँ। तो मेरे ख्याल में जो इंसान मेहनत करे उसको भी ये सोचना चाहिए कि दूसरे बंदे ने अगर पैसे पे किए हैं तो हम लोग थोड़ा सा उसका ख्याल करें कि पता नहीं उसने किस तरह किए हैं। ये भी बच्चों की जिद थी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट चाहिए होता है, वो थोड़े से कार्टून वगैरह देखते थे, तो फिर हम लोगों ने कहा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जी ये शीटें भी काफी बची हुई हैं, अभी जो है ना वो काफी काम होने भी वाला है, तो फिर नहीं वो तो मैंने कटिंग कर ली है, अच्छा, सारा कंप्लीट वो वाली जो मैंने सोची हुई थी वो तो सारी हो गई। अच्छा वो उस एक रूम की भी लगानी है सारी, रूम में भी और टीवी लाउंज में भी। अभी मुझे एक क्लॉक चाहिए ब्लैक वाला, हाँ सुन लें जी, एक क्लॉक चाहिए और मुझे मैट्रेस चाहिए, एक मैट्रेस दो मैट्रेस चाहिए हमें अच्छे वाले, और अच्छे वाले नाम भी हो तो, और बेडशीट्स दो बेडशीट्स चाहिए और बस फिलहाल बस, बाकी फिर आपको बताएंगे और कुछ चाहिए होगा तो। हाँ जी, और पर्दे लगाने के लिए स्टैंड वगैरह भी लगाने हैं ना, अभी उम्र से कहीं जरा मेरे साथ कोऑपरेट करें, मेरी हेल्प करवाएं जल्दी जल्दी ताकि मैं काम करूं। असल में ना मसला पता क्या है, 12 बजे लुबना उठती है सोई हुई सुबह, 12 बजे ना भी उठे आज तो चले जल्दी उठनी है ना, मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ, 12 बजे नहीं तो 11 बजे उठती है, 1 बजे मैंने जॉब पे जाना होता है, तो फिर 12 से 1 बजे के दरमियान सिर्फ खाने पीने और नहाने का टाइम ही होता है। इनसे पूछें कि ये कब उठते हैं, ये उठ के फिर क्या करते हैं। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, काम आपने करवाना है ना, आप जल्दी उठेंगे मैं भी साथ, जिस दिन ये जल्दी उठी उस दिन मैं जल्दी साथ उठ जाता हूँ। मैंने ये फील किया है कि जब से इस घर में शिफ्ट हुआ है ना, इस घर में जितना भी डेकोरेशन का काम मैंने किया है ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और जब से ये जॉब पे जाना स्टार्ट हुआ है बिल्कुल, क्योंकि जब भी मैं सेटिंग की बात करती होती थी ये मेरे साथ करवाते होते थे, मतलब खुद एक्साइटेड होते थे, लेकिन इस बार ये बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं। असल में अब मेरी बात सुने, इंसान की ख्वाहिश होती है ना अपना घर अच्छे से डेकोरेट करने की कम बजट में, अब इस चीज का हम लोग क्या वेट करें कि हमारा अपना घर होगा तो हम उसे अच्छे से बना। नहीं नहीं मसला अपने घर का नहीं है, मैं थोड़ा सा ना मैं बिजी होता हूँ, क्योंकि जॉब पे अगर जाना है 1 बजे घर से जाना है, उसके बाद रात 9-10 बज जाते हैं वापस आते हुए, तो फिर वो इंसान रात को जब आता है वैसे थका हुआ आता है, तो फिर सेटिंग क्या करनी होती है, वीडियोस नहीं बन पा रही हमारी आजकल, तो सेटिंग क्या करनी होती है, और इंशाल्लाह अब करेंगे सेटिंग। आपको पता है कि जब मेरे सर पे पड़ती है ना तभी काम करता हूँ, जब मेहमानों के आने में एक दो दिन रह जाना फिर मुझे भाग दौड़ लग जानी है। मैं कहती हूँ मैं इस चीज का वेट ना करूँ कि अपना घर हो तो फिर करूंगी, अब अल्लाह जब किस्मत में लिखा है तब अल्लाह तला दे देंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो यही अपना है ना जिसमें हम लोग जिसका रेंट पे कर रहे हैं, बाद में जब जो होगा बस इस चीज का डर लगा रहता है। आपको बताया कि इतनी अच्छी सेटिंग करके सारा कुछ एडजस्ट करके फिर जब एक जगह से दूसरी जगह स्किप करना पड़ता है ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और तब दिल भी बहुत ज्यादा मेरा टूटता है,
बस ये दुआ करें कि अब इस घर में हम लोग तब तक रहें जब तक हमारा अपना घर नहीं बनता और अल्लाह ताला हमें जल्दी से अपना घर दे दे ताकि हम इस घर को तभी लीव करें। आमीन, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो अपना घर होगा। और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग जो अपना हमारा गोल है जो जिस चीज को हम अचीव करना चाहते हैं हम उसे कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वॉच करें ताकि हम लोग अपनी ख्वाहिश को पूरा करें और अपने बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर बनाएं। अच्छा जी, मोना ने रात को नया जूता भी लेके आई है, और ये किसने लेके दिया था? दाने के पापा किधर हैं? हाँ कह दूंगी पापा। वो आपको पता है वो लोगों ने कहा है कि इसे मोटी ना कहा करें। हाँ जी। वो कह रहे हैं इसे मोटी ना कहें, इसे छोटी कहें। इसे मोटी ना कहें, क्यूट सी बेबी। हाँ ये क्या है? गोलो मटोलो कहते हैं, गोलो मटोलो मोटी छोटी बेबी। हाँ जी ये कहो। गोलो मटोलो मोटी छोटी बेबी। काफी जो है ना वो उतर गई है। और मोना ने ये जूता जो है वो खुद पसंद किया है या मैंने ये वाला लेना है? हम रात को गए थे 9:30 बजे जब उम्र जॉब से वापिस आई, मैंने खुद लिया, मुझे पसंद नहीं। आपसे उम्मीद है कि आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, पूरी वीडियो को एंड तक देखना और हमारे 10 लाख व्यूज करना। 10 लाख? हाँ जी। आपसे मुझे उम्मीद है, आपने मेरी उम्मीद तोड़ नहीं रही है, ठीक है? ठीक है। अच्छा जी, मोना ने आपसे उम्मीद लगा ली 10 लाख व्यूज की, तो वो कह रही है आपने मेरी उम्मीद को जो है ना तोड़ना नहीं है, ऐसे ही है? मतलब ये है कि इसके बाद जो उम्र से ताने देते हैं कि जिस वीडियो में तुम आई हो उस पे तो व्यूज ही नहीं आए हैं, देखा ही नहीं है, किसी ने पसंद ही नहीं किया, इसलिए ये कह रही है।